सो दोस्तों, अगर तुम इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करते हो और रील पे व्यू नहीं जाता है, तो इस वीडियो में मैं तुमको सही तरीका बताऊंगा कि कैसे रील्स अपलोड होती है जिसके वजह से व्यू जाती है। प्लस दो तीन सेटिंग भी दिखा दूंगा कि जिसको तुम कर लोगे तो तुम्हारा वीडियो पे गेन और व्यू सब अचानक से बढ़ जाएंगे और मेरी तरह तुम्हारा भी सब्सक्राइबर गेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तुमको वीडियो अपलोड करने से पहले एक दो सेटिंग अगर नहीं है तो कर लो, है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तुमको आ जाना है, सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके तो उसका नीचे तुमको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उस अकाउंट के ऑप्शन पे जाना। अकाउंट के ऑप्शन पे जाने के बाद तुमको यहाँ पे खोजना है शेयरिंग द अदर ऐप। शेयरिंग द अदर ऐप यहाँ मिल गया ना, इसको तुमको ओपन करना है। एंड उसके बाद दोस्तों तुमको अपने फेसबुक अकाउंट से यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। दोस्तों फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करोगे तो होगा क्या कि तुमको इंस्टाग्राम से तो व्यू मिलेगी, साथ ही साथ तुम्हारा सेम वीडियो फेसबुक पे भी शो होगा। मतलब कि जो लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा है और फेसबुक यूज कर रहा है तो वो तुम्हारा सेम रील फेसबुक पर भी देख सकता है। और सेम रील होगा दोस्तों फेसबुक पे, वो फेसबुक पे अपलोड नहीं होती है, होती इंस्टाग्राम पे ही है, लेकिन शो तुमको इंस्टाग्राम पे होती है, वहाँ से देख सकता है। और अगर कोई तुमको फॉलो करना चाहता है इंस्टाग्राम पे तो वो वहाँ पे अगर फॉलो करता है तो तुम्हारा इंस्टाग्राम पे व्यू बढ़ फॉलोवर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सेटिंग बहुत जरूरी है। दो जगह सोचो, खुद सोचो कि दो प्लेटफॉर्म पर अगर तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है तो कितने सारे व्यू बढ़ेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, तुमको ये वाला तो करना ही करना है। और भी दोस्तों दो तीन सेटिंग है जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो सेटिंग की नहीं है, ये वीडियो अपलोड की है। तो अपलोड करने के लिए तुमको सिंपली अपलोड वाले सेक्शन में चले जाना है। अब मान लो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे मुझे वीडियो दिख रहे हैं, रील की बात कर रहे हैं, तो रील के ऑप्शन पे मैं सिंपली यहाँ पे चले जाऊँगा। एंड रील के ऑप्शन में जाने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे देख लो, एक वीडियो चूज कर लो। तो मैं यहाँ पे कोई वीडियो चूज कर लेता हूँ। सो नीचे करते करते मैंने इतना नीचे कर दिया दोस्तों कि मुझे फिलहाल तक तो कोई वीडियो अच्छा मिला नहीं। मान लो मैं दोस्तों ये वाला वीडियो मैं चूज कर लेता हूँ, तो इस वीडियो को मैंने चूज किया, नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद तुम फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम देखोगे तो बताऊंगा कि आपको एक तुमको दो तीन ऑप्शन यहाँ पे और मिल जाते हैं। तो दो तीन ऑप्शन मिलते हैं तो तुमको क्या क्या करना है यहाँ पे तुम ये देख लो। सबसे पहले तुम यहाँ पे चाहो तो म्यूजिक ऐड्स कर सकते हो अपने वीडियो में। तो यहाँ से जो भी है तुम्हारा हिसाब से जो गाना हो वो गाना तुम यहाँ से ऐड्स कर सकते हो। गाना ऐड्स करोगे तो गाना का जितना पॉपुलर होगा उसके हिसाब से तुम्हारे गाना के अकॉर्डिंग व्यू बढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई वो गाना सर्च करता है तो तुम्हारा वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद तुम कुछ ऐसा लिख लो वीडियो के बीच में जिसको देख कर कोई खोले उस वीडियो को कि भाई इस वीडियो में ऐसा कुछ है देखो, तो ऐसा कुछ अगर तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हारे में टैलेंट है, इसको क्लिक पैड बोलते हैं, तो तुम्हारा वीडियो इससे भी होगा। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा लिख दिया उसको वो खोल के देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल का भी एक ऑप्शन है, बीच वाला ऑप्शन, अगर तुम इस पर क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे कि आपको एक तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे स्टिकर है, ये सब का तुम यूज कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे कुछ और है, एक ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी तुम कुछ अपना स्लाइड शो ये सब का चूज करके इसका भी यूज कर सकते हो। एंड लास्टली है एक यहाँ पर तुमको ये रहा, इसमें तुमको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं जिसका तुम यूज करके अपने वीडियो को थोड़ा एंटिक बना सकते हो। जैसे कि मान लो कि मुझे अगर ये इफेक्ट यूज करना है तो ये वाला मेरा एंटिक हो जाएगा, अगर मुझे ये वाला इफेक्ट यूज करना है तो देखो इफेक्ट बदलते रहते हैं। तो आप चाहो तो अपने वीडियो के हिसाब से इफेक्ट भी सही कर सकते हो, इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वीडियो को शानदार बेमिसाल बना सकते हो। अगर तुमको कुछ लिखना है जैसे कि अर्निंग ऐप, मैं लिख देता हूँ, जिससे जो लोग पैसे कमाने के शौकीन होंगे वो अर्निंग ऐप लिखा हुआ देख के ही इस वीडियो को खोल लेंगे। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसे ये दिख जाए, तो अगर कोई अर्निंग के लिए होगा वो इसको देख के ही इसको खोल लेगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, इतना करने के बाद अब तुमको इसको क्या करना है, अगर आपका हर एक सेटिंग कंप्लीट हो गया है तो तुम अब इसको नेक्स्ट पे कर लोगे। नेक्स्ट पे करोगे तो अब जो तुम्हारा है ना मेन सेटिंग यहीं से स्टार्ट है दोस्तों, मेन सेटिंग तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट है। अब क्या करना है दोस्तों, ज़माना बदल गया है, पहले होता था ना लंबा लंबा हैशटैग, 20 हैशटैग, 30 हैशटैग डालते थे तो वीडियो वायरल होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुमको तुम्हारे वीडियो के अकॉर्डिंग एक न्यू ऑप्शन आया है ऐड टॉपिक का, ये ऐड टॉपिक तुम्हारे वीडियो को वायरल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसका यूज करके ही तुमको अपने वीडियो को वायरल करना है। तो सबसे पहले ऐड टॉपिक पे जाना है, जिस कैटेगरी से तुम्हारा वीडियो है वो कैटेगरी तुमको यहाँ चूज कर लेना है। एज लाइक मैंने जो वीडियो डाला है वो आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी डाल दूंगा और उसके बाद हो गया। बट तुम तीन चूज कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर तुम्हारा कैटेगरी और भी कहीं से मैच खाता है, जैसे कि मैं कुछ और वीडियो जो अपलोड करता हूँ, जैसे कि क्रिकेट का वीडियो अपलोड करता हूँ, टिप्स के वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैंने ये डाल दिया है। बट मेन है ये टेक्नोलॉजी का है, तो ये डाल देना है। तुमको अपना कैटेगरी देख लेना है, अगर तुम स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स डालो, अगर तुम मोटिवेशनल हो
वीडियो बनाते हो तो मोटिवेशनल में डालो, बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी है। लेकिन अगर तुम कैटेगरी चूज करते हो तो तुम्हारा वीडियो उसी के पास जाएगा जो उस टाइप का वीडियो देखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी के टाइम में वीडियो वायरल करने के लिए यही इंपॉर्टेंट है। ओके सो ये करने के बाद अब तुम यहाँ से अपना प्रोफाइल चूज कर सकते हो, इसको आगे पीछे करके ये दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब तुम इसके हिसाब से लिख लो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ न्यू अर्निंग ऐप, देन नीचे आते हैं और हैच अर्निंग ऐप। अब दोस्तों देखो, बहुत से लोगों को है ना ये हैशटैग क्रिएट करना नहीं आता है, मैं तो खुद से क्रिएट करता हूँ, बट जिन लोगों को नहीं आता है, बिगनर के लिए कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें तुम हैशटैग क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से उसको बस कॉपी करके तुमको यहाँ डाल देना है। तो स्टार्टिंग में तुम उसका यूज़ करो, जैसे जैसे अपलोड करोगे खुद पता चलेगा क्या हैशटैग डालना है। तो मैं तुमको फ़िलहाल बता देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तुमको लिखना है हैशटैग हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम। सो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक आ जाए। तो दोस्तों ये जो सेकेंड वाला आया है, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया था जिसकी वजह से सेकेंड में आई है, वैसे ही आती फर्स्ट में। हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है। हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये सब जो हैशटैग तुमको दिखेगी ये सब वायरल हैशटैग है, मतलब कि जो लोग बहुत बड़े बड़े जो वीडियो जिसका वायरल होता है वो सब इसी हैशटैग को यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब हैशटैग को यूज़ करते हैं। बट तुम अगर कोई एक अपना अपने टॉपिक हिसाब से हैशटैग चाहते हो, जैसे कि मैंने जो वीडियो डाला वो क्या था, अर्निंग ऐप, तो मैं यहाँ लिखूंगा अर्निंग ऐप। अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे हैशटैग्स होगी तो ये आ जाएगी, बट मे बी है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके डायरेक्टली वहाँ लेके डाल दूँगा। सिंपली यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा में कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी करो और डालो। अब तो अपने कैटेगरी के हिसाब से बस एक वर्ड लिखना, तुम्हारा हैशटैग्स आ जाएगा। पूरा 30 हैशटैग है और इसको लेके तुमको अपने इंस्टाग्राम के वीडियो में यहाँ डाल देना है, ठीक है। दोस्तों इतना करने के बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों देखो ये हैशटैग हमें प्रोफेशनल हैशटैग मिल गई है, और अब तुमको नीचे आना है, ऑल्सो शेयर शॉर्ट फिश ऑन कर देना है। ये क्या है, जब तुम्हारा इंस्टाग्राम के होम पेज पे ये दिखेगा, अगर किसी को टैग करना चाहते हो तो टैग कर सकते हो। मैसेज बटन फिलहाल तो मैं ऑन नहीं करता हूँ, तुम अगर चाहो तो कर सकते हो। टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, अगर तुम्हारा टाइटल टैग हैशटैग नहीं भी है ना, तुम्हारा वीडियो में दम है और तुम्हारा टॉपिक सही है तो सही लोगों के पास वो वीडियो जाएगा, दो चार लोगों के पास जाएगा, उसने अगर पूरा पूरा वीडियो देख लिया तो तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा, बिना टॉपिक के भी वायरल हो जाएगा, लेकिन ये सही होना चाहिए। ओके उसके बाद तुम अपना यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो, और फेसबुक जो मैंने बताया था फेसबुक ऑन होना चाहिए जिससे तुम्हारा वीडियो फेसबुक में भी जाए। एडवांस सेटिंग में चल जाते हैं। एडवांस सेटिंग में तुम देखोगे तो यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो ऑन होना चाहिए वो है ये अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी। दोस्तों ये तुम्हारा ऑन होना चाहिए, इससे क्या होगा कि तुम जो वीडियो डालोगे वो ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड होगा। क्वालिटी कम करोगे वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी, वीडियो वायरल नहीं होगी। तो क्वालिटी इसको ये जो है ये ऑन ही होना चाहिए, ऑन नहीं है वीडियो वायरल नहीं होगी। बैक कर लेते हैं। ओके सो अब तुम इसको डायरेक्टली इसको यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके इसको तुम शेयर करके शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सेव एज ड्राफ्ट में कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको अपलोड नहीं करना है। सो दोस्तों इस टाइप से तुम अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स को वायरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।